चाय का बर्तन बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, इसे कैसे साफ करना है आज हम आपको जीवन आयुर्वेद में यही तो बताएंगे घरेलू तरीके से। देख रहे हो आप मेरे साथ, मेरा नाम है मेघा वर्मा, स्वागत करती हूँ आप सभी का। भाई इंडियन किचन में रसोई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हर भारतीय नारी अपने घर की रसोई को हमेशा चमका कर रखती है। लाख कोशिशों के बाद भी कई ऐसे बर्तन होते हैं रसोई में जो चिपचिपे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, गंदे दिखते हैं। इनमें शामिल है भाई चाय का बर्तन, जिसमें बहुत ज़्यादा चाय बनती है और भारतीय लोग तो चाय के शौकीन होते हैं। तो आज आपको बता देते हैं कि बार बार उसे साफ करने पर भी अगर वो साफ नहीं हो रहा, अजीब सी गंदगी उसमें चिपक गई है, तो क्या करें। आप भी इस समस्या से जूझ रही हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें। वैसे तो ये खाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन आप इससे चाय का बर्तन भी साफ कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले चाय बनाने वाले बर्तन के चारों तरफ बेकिंग सोडा डालकर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अब इसे डिश वॉशर यानी साबुन से और पानी से साफ कर लें, इससे बर्तन की गंदगी साफ हो जाएगी। नींबू, चाय के बर्तन गंदे हो गए हैं तो आप नींबू रगड़कर उसे साफ कर सकते हैं। आधा नींबू काट लें और चाय के बर्तन पे जहाँ दाग धब्बे हैं जो साफ नहीं हो रहे, वहां पर इसे रगड़ते रहें। 20 मिनट तक इसे रगड़ें और फिर गर्म पानी डालकर इसे ऐसे ही छोड़ दें, इससे बर्तन का कालापन दूर हो जाएगा। सिरका, जले हुए बर्तन को साफ करने के लिए आप उसमें सिरका और बेकिंग पाउडर दोनों मिलाकर छोड़ दें, इससे कुछ ही देर में आपका बर्तन साफ हो जाएगा। नमक, अगर चाय या फिर दूध का बर्तन जल गया है तो उसमें 2 चम्मच नमक डालें और फिर पैन को पानी से भरकर लिक्विड डिशवॉशर सोप डालकर हल्का गर्म कर लें। अब 1 घंटे इसे ऐसे ही छोड़ दें, बाद में चम्मच से इसे घिस लें। इसके बाद आपको जूने से बर्तन साफ करना होगा और आपका बर्तन एकदम चकाचक क्लीन हो गया। भाई अगर बर्तन गंदा है, ये वीडियो आपने देख लिया है, तो फटाक से साफ करो, और साफ हो जाता है तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करो। अभी के लिए इतना ही, जीवन आयुर्वेदा देख रहे थे आप, नमस्कार।